टीम इंडिया वेस्ट इंडीज के बाद श्रीलंका के खिलाफ भिड़ने वाली इस सीरीज के साथ ही भारत को एक नया टेस्ट कप्तान भी मिलने वाला है। बहुत लंबे समय से भारतीय क्रिकेट फैंस को इंतजार था कि भारत का नया टेस्ट कप्तान कौन होगा, लेकिन अब बीसीसीआई ने इसका ऐलान कर दिया है। बता दें कि विराट कोहली ने हाल ही में टेस्ट टीम की कप्तानी छोड़ी थी। विराट कोहली के कप्तानी पद छोड़ने के बाद टीम इंडिया को नया टेस्ट कप्तान मिल चुका है। विराट के बाद वनडे और टी20 टीम के कप्तान रोहित शर्मा ही टेस्ट की कमान संभालेंगे। इसी के साथ एक बार फिर से तीनों फॉर्मेट में टीम इंडिया का एक ही कप्तान होगा। वहीं इस टीम के वाइस कैप्टन जसप्रीत बुमराह होंगे। बुमराह ने हाल ही में साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी ये जिम्मेदारी निभाई थी। वहीं श्रीलंका के खिलाफ होने वाले टेस्ट सीरीज में भारतीय टीम से कई प्लेयर्स को बाहर का रास्ता भी दिखाया गया है।